महाराष्ट्र के वजीर सेहत श्री सुरेश शेट्टी जी, परभनी के पालक मंत्री जनाब प्रकाश राज सोलंकी जी, ट्राइबल अफेयर्स के वजीर राजेंद्र गावित जी, जिन्होंने आज इस उर्दू के आंगन प्रोग्राम की न्योता दिया है हमें सबको और ऑर्गेनाइज किया है मोहतरमा फौजिया खान साहिबा, हमारे मेंबर पार्लियामेंट गणेश राव दुधगावकर जी, एमएलए साहिबा सुरेश देशमुख जी, एमएम शेख जी, रामप्रसाद धोडीकर जी, मीरा तेरेंगे जी, हमारी म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट श्रीमती खुबे जी, सुरेश जाधव जी, मधुसूदन केंद्रे जी, वानखेड़े जी, मुंडे जी, सभी मंच पर विराजमान सभी मान्यवर नेतागण और अभी अभी पधारे पंकज दास जी, और इस प्रोग्राम के लिए उपस्थित परभनी के भाई और बहनों, आज इस उर्दू के आंगन प्रोग्राम जिसका दूसरी बार औरंगाबाद के बाद आज परभनी में प्रोग्राम हो रहा है, इसमें शरीक होते हुए मुझे बहुत बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। आज कई सारे प्रोग्राम हुए और दिन भर परभनी जिंतोर में यहाँ के लीडर से बातचीत की, कई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को इसका उद्घाटन किया, शुभारंभ किया और शाम को आपके बीच में उर्दू की खिदमत करने के लिए हम सब यहाँ पे शरीक हुए हैं। जैसे कि वजीर सेहत ने सुरेश शेट्टी जी ने और मोहतरमा फौजिया खान ने आपको बताया कि सेहत में हेल्थ के फील्ड में कई सारे प्रोग्राम आ चुके हैं, जिसमें कि एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, प्रिजनर्स वार्ड, नर्सेस के लिए और सुविधाएं, और साथ ही में ये तो यहाँ पे सब उद्घाटन हुए हैं, लेकिन जो दो प्रोग्राम का ऐलान यहाँ से हुआ है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसका स्टेट वाइड लॉन्च आज परभनी से हुआ है, एक बहुत ही हमारी हुकूमत का एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है, जिसके चलते कहीं से भी कोई भी माँ, होने वाली माँ 102 नंबर डायल करके अपने बारे में जानकारी दें तो सरकार की ओर से मुफ्त एम्बुलेंस जाएगी नजदीकी अस्पताल में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, उसे लाया जाएगा, सभी दवाइयों का अगर जरूरत पड़े तो ऑपरेशन की व्यवस्था की जाएगी और आने जाने का खर्चा भी सरकार की ओर से उठाया जाएगा, अगर खून की जरूरत पड़े, दवाइयां हो, सभी का इंतजाम सरकार की ओर से होगा, और बच्चे को अगर कुछ दिन तक अस्पताल रखना पड़ा तो उसकी भी व्यवस्था पूरी की जाएगी। और ये कार्यक्रम आज परभनी से पूरे महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि राज्य सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा कदम आज हमने लिया है। साथ ही में राजीव गांधी बीमा योजना की शुरुआत भी कुछ ही दिनों में होने जा रही है,
इसके चलते करीब करीब 900 प्रोसीजर्स, हार्ट ऑपरेशन से लेकर किडनी ऑपरेशन से लेकर और कोई गंभीर बीमारियां, इसके चलते पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं अगर उसकी कोई बीमा की व्यवस्था ना हो, इंश्योरेंस की व्यवस्था ना हो। अब ये पूरा इंश्योरेंस का जिम्मा राज्य सरकार लेगी। राज्य के करीब करीब 10 करोड़ आबादी के लिए, जिनकी आमदनी 1 लाख से कम है, ऐसे 2 करोड़ परिवारों के लिए ये योजना और इसका बीमे का प्रीमियम जो होगा वो सरकार की ओर से दिया जाएगा। और इन 10 करोड़ लोगों को कोई किसी भी खर्च किए बिना, चाहे हार्ट ऑपरेशन हो चाहे किडनी ऑपरेशन हो, ये 900 प्रकार के जो प्रोसीजर से ऑपरेशन से सब मुफ्त कराया जाए। ये दो कार्यक्रम, ये जो घोषणा है, और साथ ही में आज परभणी में जो हॉस्पिटल्स का इनॉग्रेशन हुआ, जिनका फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी हुआ, उसके लिए मैं परभणी की आवाम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज उर्दू के आंगन में इस प्रोग्राम का यहां पे आयोजन किया जा रहा है। ये प्रोग्राम कई सारी संस्थाएं मिलकर, जिसमें कि राज्य का अखिलियतों का तरक्की का महकमा है, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, सिकंदरी वर्ष मेमोरियल ट्रस्ट है, फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद तथा NCUPL नई दिल्ली, इन सभी की ओर से अदब, फन और तहजीब उर्दू के आंगन में ये कार्यक्रम का आयोजन आज परभणी में हो रहा है। ये दूसरी बार ये हो रहा है, पहली बार औरंगाबाद में हुआ था, और हर साल इस तरह का कार्यक्रम जो उर्दू साहित्य अकादमी की ओर से आयोजित होगा, इस कार्यक्रम में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी है। आप उर्दू एक जो जबान है, ये हिंदुस्तान की जबान है, भारत की जबान है। फारसी, तुर्की, दक्षिणी, प्राकृत, ब्रज भाषा और मैथिली, इन सभी भाषाओं को मिलाकर एक अपनी अलग पहचान बनाने वाली हिंदुस्तान की जबान उर्दू, जिसे हमें सभी को फख्र है। इसमें मिठास है, नजाकत है, सुंदरता है, और सभी भाषाओं में इसका उपयोग, खास करकर शायरी का उपयोग अब किया जा रहा है, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौर में एक लिंक लैंग्वेज रही है, पूरे मुल्क को जोड़ने वाली जबान रही है। इतना है कि ब्रिटिश सरकार ने इस पर, इसके जो न्यूज़पेपर थे उसको बंद कर दिया था, क्योंकि उर्दू हिंदुस्तान को आज़ाद करने का बहुत बड़ा काम कर रही है। आज 4 दिन का ये प्रोग्राम है, जिसका आज उद्घाटन पंकज उधास जी के मधुर संगीत से होगा। उसके बाद सेमिनार, पैनल डिस्कशंस और इंटरनेशनल फेम के जो शायर है उनकी यहाँ पे, उनकी भी कव्वाली का प्रदर्शन, उनकी महफिल यहाँ पे सजेगी, किताबों का भी एग्जीबिशन होगा, और उर्दू का जो लोक संगीत है, सभी कार्यक्रम 4 दिन तक करे जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि इस 4 दिन के प्रोग्राम में उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू को अपनापन जो है मुल्क के लिए, परभणी हो चाहे मराठवाड़ा रीजन हो, उसमें अपनापन बढ़ाने में और एक भाईचारा बढ़ाने में इस प्रोग्राम का बहुत 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 मददगार साबित होगा। कुछ बातें आपने रखी हैं, बहुत अहम बातें हैं। हमारी सरकार ने अखिलियतों की तरक्की के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट खोला है, दिल्ली में खोला है और यहाँ पे भी हमने चलाया है, और हर साल उस पर जो हमने बजट रखा जाता है, बजट में इजाफा हो रहा है। और मैं आपको ऐसा दिलाना चाहूँगा कि पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, पैसे की बिल्कुल कमी नहीं पड़ेगी,
जो भी हमें प्रोग्राम करने हैं, जैसे कि अभी दूसरी मांग आपने कही थी कि एक माइनॉरिटीज का डायरेक्टरेट बने, मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ कि डायरेक्टर जल्दी है, मेरे पास फाइल आई है और ये डायरेक्टरेट जल्दी ही बनेगा और उसके चलते हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट है वहां पे शुरुआत करके वहां पे अलग अलग अफसरान वहां पे रखे जाएंगे। कई सारे हमने जो दिल्ली में जो सच्चर कमेटी का विषय था जिससे हमने असलियत हमें पता चली कि क्या हालत है माइनॉरिटीज की, साथ ही में जो 15 पॉइंट प्रोग्राम था उसके चलते हम दिल्ली में और राज्य में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। हमें अभी बहुत कुछ करना है इसका हमें इसकी जानकारी हमें है, लेकिन एक शुरुआत हो चुकी है। आपने और भी जो मांगे रखी हैं उस पर राज्य सरकार के कैबिनेट में हम गंभीरता से विचार करेंगे और मैं इतना विश्वास आपको देना चाहूंगा कि हम सब मिलकर अकलियतों को माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए, उसकी तरक्की करने के लिए जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे उर्दू साहित्य अकादमी हो, चाहे उर्दू के भवन हो, उर्दू के जो मकान हो, दफ्तर हो, उस सभी के लिए हम पर्याप्त मात्रा में, पूरी मात्रा में आर्थिक सहायता तो करेंगे ही और साथ ही में पूरी तरह से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इस कार्यक्रम में शरीक होने का न्योता दिया और बहुत भाईचारे का अनुभव मैं कर रहा हूँ और इसी दौर को हमें आगे चलाना है और इसी तरह से हम महाराष्ट्र में एक अलग वातावरण, कुछ राजनीतिक सियासती पार्टियां हैं तो माहौल बिगाड़ना चाहती है, अगर हम साथ रहे, अगर हम माहौल न बिगड़ने दें तो मुझे पूरा विश्वास है इसी तरीके से हम तरक्की करते रहेंगे, हमारे जो भी मसाइल हैं हम सुलझेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत